अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मैच में युवराज सिंह ने शानदार अर्धशतक जड़ा। यूवी ने 36 गेंदों पर 72 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। यूवी ने एक बार बल्ला उठाया तो फिर गेंद बाउंड्री लाइन के पार ही दिखी। वहीं युवराज ने गेंदबाजी करते हुए भी पाकिस्तान का एक विकेट चटकाया। युवराज का धुआंधार अर्धशतक, 36 गेंदों पर 72 रन की उन्होंने पारी खेली। तो युवराज ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, 72 रन उन्होंने बनाए 36 गेंदों पर। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मुकाबला, जो कि भारत ने अपने नाम कर लिया है, इसमें युवराज सिंह ने बेहद अहम भूमिका अदा की है। शानदार अर्धशतक उन्होंने जड़ा। यूवी ने 36 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। यूवी ने एक बार बल्ला उठाया तो फिर गेंद बाउंड्री की लाइन के पार ही नजर आई। युवराज ने गेंदबाजी करते हुए भी अब पाकिस्तान का एक विकेट चटकाया। तो जहां बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखाया युवराज सिंह ने। पाकिस्तान का एक विकेट चटकाया, युवराज का धुआंधार अर्धशतक, 36 गेंदों पर 72 रन की पारी। तो अब ये जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर हो गई है। 2 T20 मुकाबले की सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही थी। पहला मुकाबला भारत ने गवा दिया, हालांकि दूसरा मुकाबला जीत लिया। साल 2011 के आखिरी पलों में जब उत्तराखंड की सत्ता अव्यवस्थित हो चली थी और चुनाव की घड़ी करीब आती जा रही थी, उसी बीच 2011 ने अपने अच्छे बुरे लम्हों की पोटली समेटकर उसे 2012 के हवाले कर दिया और शुरू हो गई एक नई जद्दोजहद, जिसमें बदलाव की बयार ने विजय बहुगुणा के हाथों सूबे की कमान सौंप दी। बर्फ की सर्द और शफाफ चादरों ने पहाड़ को ढक रखा था। लोग ठिठुरन और सेहरन महसूस कर रहे थे, तो कुछ बर्फ का मजा लेने में मशगूल थे। लेकिन इस सर्द फिजा में भी उत्तराखंड के सियासी हलकों में हाई वोल्टेज गर्माहट आसानी से महसूस की जा सकती थी। उत्तराखंड की तत्कालीन बीजेपी सरकार में उथल पुथल जारी थी। रमेश पोखरियाल निशंक पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हो गई, तो चुनाव में जनता के बीच जाने की गरज से बीजेपी ने कमान दोबारा भुवन चंद्र खंडूरी के हाथों में थमा दी थी। खंडूरी पार्टी की छवि बनाने में जुटे थे, तो विरोधी कांग्रेस और यूकेडी निशंक सरकार के कारनामों का पुलिंदा थाने जनता को चीख चीख कर आगाह करने में जुटे थे। इसी गहमा गहमी के बीच साल 2011 ने करवट बदली और 2012 की चौखट पर आ पहुंचा। साल बेशक नया था, फिजा भी नई थी, लेकिन सियासी हलकों में पुरानी धुनें आसानी से सुनी जा सकती थी। रैलियों का रेला, भोपुओं की कर्कश आवाज और ढोल लगाड़ों की गनगनाहट के बीच तेज बयार चल रही थी। बयार बदलाव की थी, लेकिन इंतजार था उस खास घड़ी का, जब निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बारे में आधिकारिक घोषणा हो।
वो वक्त भी आया, लेकिन ये क्या, घोषणा के बाद माहौल में जो बदलाव आना था वो नहीं आया, क्योंकि पहाड़ की जनता ने ना तो बीजेपी को बहुमत दिया था, ना ही कांग्रेस के हिस्से ही इतनी सीटें आई थी कि वो आसानी से सरकार बना सके। कांग्रेस के हिस्से आई थी 32 सीटें, तो बीजेपी के हाथ 31 सीटें लगी थी। मुकाबला करीबी था, लेकिन एक सीट की बढ़त ने कांग्रेस की राह थोड़ी आसान कर दी थी, लिहाजा शुरू हुआ जोड़ तोड़ का सिलसिला। और आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के 3, यूकेडी के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ कांग्रेस ने जरूरी आंकड़े हासिल कर लिए। बात साफ थी कि पहाड़ पर पंजा लहराएगा, लेकिन ताकत किसके हाथ लगेगा, इस पर उहां पहुंच जारी थी। जितने गुट उतनी मोर्चेबंदी, देहरादून से दिल्ली तक और दिल्ली से देहरादून तक कश्मकश जारी था। हरीश रावत की अपनी सेटिंग, हरक सिंह रावत की अपनी सेटिंग, अपने दावे, लेकिन 10 जनपद ने एक अपेक्षाकृत नए चेहरे को तरजीह दी और वो नाम था विजय बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे, जिन्होंने 13 मार्च 2012 को सूबे की कमान संभाली और इसी के साथ पहाड़ की एक नई पारी की शुरुआत हो गई। देहरादून से राहुल शेखावत के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन आपसी खटपट थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से सितारगंज उपचुनाव, यानी बेशक कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बाजी मार ली थी, लेकिन हुकूमत को पुख्ता करने के लिए उसे एक और चुनावी समर से गुजरना था। तमाम जोड़ तोड़, तमाम मान मनोबल के बाद विजय बहुगुणा साहब फौरी तौर पर अपने विरोधी खेमों को साधने में तो कामयाब नजर आ रहे थे, लेकिन पहाड़ की कांटों भरी कुर्सी को संभालना इतना आसान नहीं था। कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें एक और पेंच से पार पाना था। जी हाँ, क्योंकि जिस वक्त बहुगुणा साहब ने मुख्यमंत्री का ताज संभाला, उस वक्त वो टिहरी से कांग्रेस सांसद थे। भला सांसद किसी सूबे का सीएम कैसे हो सकता है, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द विधायकी का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना था। यानी एक जंग जीतने के बाद दूसरे रण में जौहर दिखाने की तैयारी शुरू हो गई। गुणा भाग के माहिर खिलाड़ी बहुगुणा साहब ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि सितारगंज से बीजेपी विधायक किरण मंडल ने उनके लिए अपनी सीट खाली कर दी। ये जुगत इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बहुगुणा साहब को सूबे का अंकगणित अच्छी तरह मालूम था। वो जानते थे कि कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ने पर जीत बेचक आसानी से हासिल हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के आंकड़ों में कोई फर्क नहीं आएगा। और गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरियों से तो ये देश पहले से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सीट से लड़ने का रिस्क लिया। सीट का फैसला हो चुका था, लेकिन चुनाव तो होना ही था, लिहाजा सभी धुरंधर एक बार फिर मैदान में उतरने शुरू हुए। उधर सत्ता गंवा चुकी बीजेपी के लिए एक और मौका था कांग्रेस को धूल चटाने का, लिहाजा बीजेपी खेमे ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी। कुछ ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा, तो कुछ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में आ गए। चंद महीनों पहले ही चुनावी शोर से निजात पाई जनता को दोबारा चुनावी शोर और कोलाहल से गुजरना पड़ा। वादों और दावों का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। खैर, जब वोटिंग की घड़ी आई तो चंद महीने पहले की कमल खिलाने वाली जनता ने विजय बहुगुणा पर भरोसा जताते हुए भारी अंतर से जीत दिला दी। यानी कांग्रेस 32 से 33 सीटों पर जा पहुंची थी।
और बीजेपी 31 से खिसककर 30 सीटों पर आ चुकी थी। बहरहाल ये सितारगंज की जनता का अपने नए मुख्यमंत्री को पहली सौगात थी, जिसे विजय बहुगुणा ने हृदय से स्वीकार किया और टिहरी लोकसभा सीट की सदस्यता से इस्तीफा दे सरकार चलाने में जुट गए। देहरादून से राहुल शेखावत के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही, क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, जल्द आ रहा है देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहले विधानसभा चुनाव, फिर सितारगंज विधानसभा उपचुनाव, उसके बाद टिहरी लोकसभा का उपचुनाव, एक के बाद एक चुनावी मोर्चे सामने आते जा रहे थे, जिसमें से पहले दो मोर्चे तो कांग्रेस ने फतह कर लिए थे, लेकिन टिहरी का मामला कुछ अलग था। इस हाई प्रोफाइल चुनाव में एक तरफ थे बहुगुणा साहब के बेटे साकेत, तो दूसरी तरफ थी महारानी माला राजलक्ष्मी। पहले ताजपोशी को लेकर हंगामा, फिर सितारगंज का रण और अब टिहरी लोकसभा उपचुनाव की बारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए चुनौतियों का सिलसिला अब भी जारी है। दरअसल अगर सियासी समझ रखने वालों की माने तो विजय बहुगुणा की असली अग्नि परीक्षा टिहरी उपचुनाव में ही होनी है, उसी टिहरी में जहां से विजय बहुगुणा ने अपने सियासी करियर का आगाज करते हुए साल 2009 का लोकसभा चुनाव जीता था। लेकिन तब के हालात और अब के समीकरणों में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है। दरअसल टिहरी के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर हमेशा से ही शाही राजघराने का कब्जा रहा है, लेकिन राजा मानवेंद्र शाह के निधन के बाद जब राजघराने से सियासी मैदान में कोई उतरा ही नहीं तो विजय बहुगुणा ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए दिल्ली दरबार का रास्ता तय कर लिया। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने राजघराने का सहारा लेते हुए मानवेंद्र शाह की बहू राजलक्ष्मी शाह को टिकट दे दिया है। ये उसी राजघराने से आती हैं जिन पर इलाके की जनता ने दशकों से भरोसा जताए रखा है। वैसे भी बीजेपी के लिए टिहरी उपचुनाव खास मायने रखता है।
क्योंकि सितारगंज में तो उनके पास